गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मार्टिन्स चिल्ड्रन एकेडमी। आई विल टीच यू सोशल स्टडीज ऑफ क्लास 4, चैप्टर 1, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल मीन्स भौतिक, फीचर्स मीन्स आकृतियाँ, तो भारत की भौतिक आकृतियाँ। इन दिस चैप्टर वी शैल फोकस ऑन, तो इस चैप्टर में हम केंद्रित करेंगे, फर्स्ट वन द लोकेशन ऑफ इंडिया, तो भारत कहाँ पर स्थित है। सेकेंड वन इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। थर्ड वन इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, तो भारत के पड़ोसी देश। फोर्थ वन मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, इस मुख्य भौतिक भारत का विभाजन। द लोकेशन ऑफ इंडिया, इस भारत कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है। आवर कंट्री इज लोकेटेड इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, तो हमारा देश संसार के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में स्थित है। इट इज़ ए वास्ट कंट्री, तो यह विशाल देश है। इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो क्षेत्रफल के संबंध में यह संसार के सबसे बड़े देशों में सातवें स्थान पर है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन जस्ट बिहाइंड चाइना, तो जनसंख्या में इंडिया दूसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर जनसंख्या में चाइना है। इट मेजर्स 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मेजर्स मीन्स होता है मापना, तो ये हमारा इंडिया का मैप है। तो मैप में सबसे पहले हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मैप में डायरेक्शन क्या है। ये इस साइड हमारा ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और यहाँ नीचे साउथ है। तो ये यहाँ दिया है इट मेजर्स 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो हमारा नॉर्थ का है, ऊपर है, तो यहाँ नॉर्थ से नीचे साउथ तक हम मेज़र करेंगे तो कितना होता है 3,214 किलोमीटर। इसके बाद है एंड 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो हमारा ईस्ट का है, ईस्ट क्या है, तो ईस्ट से लेकर यहाँ वेस्ट तक कितना है 2,933 किलोमीटर। द टोटल बाउंड्री ऑफ द इंडियन लैंड स्ट्रेचेस टू 15,467 किलोमीटर। अब टोटल बाउंड्री, टोटल बाउंड्री मीन्स सीमा, तो हमारी टोटल सीमा जो है भारत की वो कितनी है, स्ट्रेचेस मीन्स फैला हुआ है 15,467 किलोमीटर। मीन्स ये जो हमारा इंडिया का मैप है, टोटल बाउंड्री, बाउंड्री मीन्स ये जो आउटलाइन है इंडिया का, जो आउटलाइन है, सीमा है, ये पूरा टोटल मिला के 15,467 किलोमीटर है। एंड दी कोस्ट लाइन, व्हाट इज कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मीन्स समुद्र का किनारा है या समुद्री तट, तो कोस्ट लाइन इज 7,517 किलोमीटर लॉन्ग। तो अब कोस्ट लाइन मीन्स जो समुद्र से घिरा हुआ है, ये देख रहे हैं तीस साइड, ये सब समुद्र से घिरा हुआ है, तो इस साइड का बाउंड्री मीन्स इस साइड की जो सीमा है, जो पानी से घिरा हुआ है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 7,517 किलोमीटर, तो इसको कोस्ट लाइन कहते हैं, समुद्री तट, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक 7,517 किलोमीटर लॉन्ग है। और नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, द ग्रेट हिमालयस आर टू अवर नॉर्थ। ग्रेट हिमालयस, अब हमारा हिमालयस कहाँ पे है, मैप पे, इंडिया का मैप, तो मैप में हिमालयस यहाँ पर है, तो ये नॉर्थ है। एंड द इंडियन ओशन इज ऑन द साउथ। अब इंडियन ओशन देखिए, ये ऊपर नॉर्थ है और ये नीचे साउथ है, तो ये इंडियन ओशन है।
वी आर बाउंडेड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो ये मैप है, ये मैप में हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ईस्ट के साइड क्या है, हमारा बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट के साइड अरेबियन सी है। वी हैव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑन इधर साइड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मीन्स द्वीपों का समूह, जो कि कहाँ है, इंडियन पेनिनसुला के दोनों साइड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला, पेनिनसुला मीन्स जो थ्री साइड वाटर हो, तो तीनों साइड पानी से घिरा हुआ हो। अब देख रहे हैं इस साइड अरेबियन सी है, साइड बे ऑफ बंगाल है, फिर यहाँ इंडियन ओशन है। ये तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है तो ये पेनिनसुला हो गया। तो इसके दोनों साइड क्या है, द्वीपों का समूह है, आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अब देखिए दी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल इज टू द ईस्ट। तो अब हमारे ईस्ट के साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये हमारा मैप है, तो यहाँ हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। देखिए बे ऑफ बंगाल है ईस्ट, ईस्ट के साइड में बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। हमारा वेस्ट के साइड, वेस्ट के साइड में ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ये अरेबियन सी है वेस्ट के साइड, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमारा वेस्ट के साइड है। वो आइलैंड्स मीन्स होता है जो एकांत भूमि होती है, जो अलग होती है, ये देख लें मैप से हटकर है, दूर है, तो इसी को आइलैंड्स कहते हैं। तो ये दोनों साइड हमारा वेस्ट के साइड ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और ईस्ट के साइड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।